और आज ईद का पहला दिन जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, यहाँ पे बन रहा है जी फ्रूट ट्राइफल। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और किसी चीज़ का आई थिंक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा रहे ना, फिर बंदा बार बार ट्राई करता है। और जी यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने नीचे लगाए हैं फ्रूट केक, उसके अलावा उसके ऊपर डाला हम लोगों ने एक लेयरिंग की है कस्टर्ड की। अब लेयरिंग होगी उसके ऊपर। हम लोगों ने साइड पे फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, इसके अंदर बनाना है, मैंगो और आई थिंक एप्पल है, और ग्रेप्स की हम लोगों ने साइड पे कटिंग करके रखी हुई है। इसके ऊपर अब एक लेयर लगेगी फ्रूट्स की। ओके जी, तो एक लेयर हम लोगों ने फ्रूट्स की लगा दी है। अब उसके ऊपर से हम लोग सेकंड लेयर कस्टर्ड की लगाने लगे हैं। आप लोग ज़्यादा लेयरिंग भी कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा बर्तन इतनी ही इजाज़त दे रहा है तो फिलहाल हमें इतनी ही लेयरिंग लगानी है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर सेकंड लेयर कस्टर्ड की लगा। ओके जी, तो कस्टर्ड की लेयरिंग के बाद सेकंड थिंग हम लोगों ने इसके ऊपर क्या किया कि हम लोगों ने ईद लिख दिया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये लिखा जो ड्राई केक होते हैं ना, उन लोगों को क्रंच मरंच चूरमूर करके, पंजाबी में चूरमूर करके करा है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ ये की कि हम लोगों ने ना अलहदा से ना मैंगो काट के भी रखे थे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग अंदर डालना भूल गए थे। लेकिन अबू ने कहा कि अच्छी बात है आप लोगों ने अंदर नहीं डाला, ताकि अगर किसी को अगर डिफरेंट टेस्ट चाहिए ना तो बाद में ऐड कर ले। और जी एक फ्रूट ट्राइफल हम लोगों ने विदाउट क्रीम बनाया था और एक विद क्रीम। विद क्रीम वाला जो था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर जी, चीज़ें बना के हम लोगों ने रात रखी थी, बस ये लेयरिंग सुबह की उसको फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद जी यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, ये क्लिप मेरी सिस्टर ने ले लिया था। यहाँ पे सलाद रेडी हो गया, पापड़ी हम लोगों ने चना चाट के ऊपर डाल के खानी होती है, और उसके अलावा साइड पे फालसा जिसको गुलाब जामुन कहते हैं, यहाँ पे मेरा भाईजान जो है वो खा रहे हैं बैठ के। अब्बू जी और भाई जल्दी आ गए थे क्योंकि 6:30 नमाज थी और हम लोग अभी रेडी हो रहे थे। तो खैर दस्तरखान जी हम लोग का लग चुका और बहुत ही माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत प्यारी बनी थी। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, हम लोगों ने सिर्फ 2-3 चीज़ें बनाई थी जो कि सिर्फ उस दिन ख़त्म हो जाए क्योंकि बकरा आई थी ना इसीलिए। खैर यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप किया था लेकिन इतना अच्छा मेरा मेकअप हुआ था। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं ज़रा शहर घूमने फिरने के लिए, और सडन स्लीप चेक करो, निकल दी बारिश शुरू होगी। मौसम तो बहुत अच्छा था, वैसे भी हम लोगों ने वेदर चेक किया था तो 50% चांसेस थे बारिश के, और आई भी, लेकिन हमारे निकलते ही शुरू होगी। खैर भी हम लोगों ने बारिश में हासिलपुर देखा, हम लोग निकले थे चलो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, और वैसे ही बारिश स्टार्ट हुआ। शहर के एक टाउन में आ चुके हैं, मैं डिफेंस टाउन बता देती हूँ, मैं कोई नहीं, जो लोग हासिलपुर का भी ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा। और ये हम लोग पार्क के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े थे, यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं अंदर से वीडियो बना रही थी। सहरा
जाने का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, सारी पुण्य खुल गई। कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो मम्मी का पराठा अच्छा लगता है। ईद का जी दूसरा दिन हो चुका है, आप सब लोग उम्मीद है ईद का दूसरा दिन मुबारक। और यहाँ पे सालन बन रहा है क्योंकि आज हम लोग के कुछ मेहमान आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर ली हुई है। यहाँ पे आई थिंक अभी 1:30 का टाइम हो रहा था। अम्मी जी बना रहे थे सालन, ये बकरे का गोश्त का सालन था क्योंकि अगले दिन में बड़ा जानवर होना था। किसी बेस्ट्री का सूट है जिसको मैं बीस्ट्री लगी रहती हूँ, और इसका फ्रॉक बनवाया है, ये लैस थोड़ी सी बच गई तो हम लोगों ने गले पे लगा दी। और इस तरीके से इसका सिंपल सा फ्रॉक है, इसके नीचे जो है वो प्लाजो है। ठीक है, पिज्जे की सॉस तैयार हो रही है आज ईद के दूसरे दिन, जो कि पिज्जा बन रहा है। यहाँ पे खाने के लिए सलाद तैयार हो रहा है, साग भुना जा रहा है, ये हमने काम वाली रखी है, रब लोग बन रहा है। ओके जी, तो मैं आप लोग को अपनी बहनों के सूट दिखाती हूँ। ये मेरी बहन का सूट है। ओके, ये एक बहन का सूट हो गया। ठीक है, और ये जो है मेरी मम्मा जी का सूट है, क्योंकि अभी हम लोग खाना वगैरह बना रहे हैं ना, खाना वगैरह बना के फिर इंशाल्लाह रेडी शेडी होते हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर का सूट है, और मुझे बटन बड़े प्यारे लगे हैं इस पे लगे हुए। इन्होंने मेरे लिए नहीं अपने लिए लिए, बल्कि मैंने मंगवाए नहीं थे इनसे। और ये मेरी दूसरी सिस्टर का, इस पर ये वाला किनारों वाला गला कहते हैं इसको, ये वाला गला है, और सेम मुझे लैस लगवाई है। लैस लगवाने से ना कह सकते हैं कि सूटों में जान आ जाती है, बड़े प्यारे लगते हैं, सिंपल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लैस जिस सूट पे लगे ना उसका कभी अपना ही मज़ा होता है। सिस्टर सलाद के लिए जो है वो प्याज काट रही हैं, क्योंकि उससे अच्छे प्याज कोई नहीं काटता। हम हमेशा इनको ही कहते हैं कि प्याज काट लिया करो ज़रा, कि रोते भी अच्छी लगती है ना, प्याज काटने के बाद रोना आता है। और यहाँ पे ककम्बर काटे हुए, यानी कि खीरे सलाद के लिए अभी फुल होगा। यहाँ पे जो पिज्जे की तैयारी हो रही है, पिज्जे की सॉस रेडी की हुई है, जिसका पूरा व्लॉग आप लोग का शेयर की हुई है। और ये चिकन जिसको हम लोगों ने मैरिनेशन करके रखा हुआ है, और ये शिमला मिर्च, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैप्सिकम। और ये जो है पिज्जा सॉस, ये भी रेडी है जी। मैंने रुला दिया प्याज काट रही थी, मैं अंदर आ गई हूँ और पिज्ज़ा बन रहा है जी। हम लोगों ने दोपहर में सोचा है, यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं है, मैं खड़ी होकर बात करती हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा है कि दोपहर टाइम में हम लोग खाना खाएंगे, यानी कि गोश्त जो कल कुर्बानी की थी उसका मतलब क्या सालन बना लेंगे, और दोपहर में खाना खाएंगे। साथ हमने शीर खुरमा और चना चाट है, एक और चीज़ है जिसका नाम भूल गया। हाँ जी, याद आ गया मुझे कि फ्रूट चाट भी हम लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारा दोपहर का है कि ये हम लोग दोपहर में खाएंगे। शाम को जो है वो हम लोग पिज्ज़ा बनाएंगे। पिज्ज़े की डो गूंद के रख दी हुई है, उसकी सॉस रेडी हो गई है, उसका चिकन मैरिनेशन करके रख दिया हुआ, उसके अलावा उसकी वाइट सॉस रेडी है, कैप्सिकम काट रहे हैं, उसके अलावा सलाद रेडी हो रहा है। मेहमान भी हम लोग के पहुँचने वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो खैर, अब ईद का दूसरा दिन ना हमारा ऐसे ही गुजरता है। कल हम लोगों की जो है ना बड़ी कुर्बानी है, और हमारे घर में ना मतलब कि स्टार्ट से ऐसे ही होता है कि पहले दिन जो बकरा होता है ना हम लोगों का, वो जो है हम लोग ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मतलब कि ना नाम पे कुर्बान करते हैं, और मतलब कि एक दिल में एक नियत कह सकते हैं होती है। और दूसरे दिन जो है आप लोगों को पता है कि सारी इतनी बिजी होती हैं, तीसरे दिन हम लोग फिर आराम से जो है ना अच्छा करवाते हैं। तीसरे दिन आई थिंक मगरिब से पहले या असर तक टाइमिंग होती है कुर्बानी की, और चौथे दिन ही कुर्बानी कर सकते हैं। तीसरे दिन जो है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम टाइम होता है, उस टाइम में आप लोग कुर्बानी कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह हम लोग की बड़ी कुर्बानी होगी, फिर बारबेक्यू वाला व्लॉग भी आएगा। सो आप लोगों ने बस मेरे चैनल पे एक्टिव रहना, कि भागने शागना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है। मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और भागने की करते हैं, तो बंदा उसे सब्सक्राइब भी करके जाएगा और लाइक भी और कमेंट भी। ओके जी, तो मैंने ये सूट पहना हुआ है, मैंने प्लाजो पहना है, और साथ जो है मैंने फ्रॉक है। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं इकट्ठे, मम्मी अब्बू की शादी की मूवी देख लेते हैं। इस व्लॉग को मैं यही पहन कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने ईद के पहले दिन का और दूसरे दिन का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें। और जी, मेरा ईद का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, फिर मैंने इसको कट शिट करके अब डाला। तो खैर, लाइक करें, इंशाल्लाह मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।